लोहे का इतना इस्तेमाल होने लगा जिसकी वजह से यहाँ पर महाजनपदों का निर्माण होने लगा था। मगध साम्राज्य जिसके ऊपर बहुत सारे राजाओं ने राज किया, 545 पर गद्दी पर बैठा इसके पुत्र जिसका नाम था अजातशत्रु, उसने इसकी हत्या कर दी और खुद गद्दी हथियार ली, गद्दी पर बैठ गया। 326 BC में इसने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था। इसके पिता का नाम फिलिप II था और ये नंदा डैंस उस टाइम पर यहाँ था और उसने यहाँ पर आक्रमण करके ये अपने वश में कर लिया था धनानंद के टाइम पर। नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत और लेकर आ चुका हूं आपके लिए जीत की उड़ान सीरीज का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम हिस्ट्री को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज इस लेक्चर में हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन यानी कि मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य डिटेल के साथ कवर करेंगे। और उससे पहले जो हमारे धार्मिक आंदोलन रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उनके बारे में भी डिटेल से कवर करने वाले हैं। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि जो ये जीत की उड़ान सीरीज है क्या इसमें केवल हिस्ट्री को ही कवर किया जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल हिस्ट्री का पोर्शन हमारा चल रहा है, जैसे ही पूरा हिस्ट्री कवर हो जाता है उसके बाद हम इसमें ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस को भी डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो बस आप डिटेल के साथ हर लेक्चर को देखते रहिए। उम्मीद करता हूं कि अब तक के इससे पहले तीनों लेक्चर आपने देखे होंगे और प्रॉपर डिटेल के साथ नोट्स भी बनाते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिट आपको इसका आगे जाके मिलेगा। फ्रेंड्स, एक शिकायत यार आपसे हमेशा रहती है, आप प्रॉपर लेक्चर देख लेते हो लेकिन लाइक बिल्कुल भी नहीं करते, तो लाइक करा करिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जीत की उड़ान सीरीज को। और यार कमेंट भी करा करिए, मैं आपके प्रॉपर कमेंट्स पढ़ता हूं, स्पेशली जीत की उड़ान की बहुत मजा आता है, तो प्रॉपर कमेंट्स वगैरह करा करिए, अपने सजेशन प्रॉपर दीजिए। तो आज के लेक्चर में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से, तो चलिए यार फटाफट शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हमारे दो मोस्ट पॉपुलर धर्म जिसमें हमारा बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, डिटेल से कवर करेंगे। उसके बाद मगध साम्राज्य की जो उत्पत्ति होती है, 16 महाजनपद आ जाते हैं उनके बारे में डिटेल से देखेंगे, यहां पर जो राजा आते हैं और कौन कौन से महाजनपद हो जाते हैं जिसमें सबसे बड़ा राजतंत्र चलता है वो देखेंगे, राजा हमारे बिंबसार आ जाता है, साथ ही हरियंगवंश, अजातशत्रु, इनके बारे में डिटेल से देखेंगे, और जाते जाते अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको कवर करेंगे। अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर, समझ रहे हो ना, तो ये सभी चीजें हम डिटेल से कवर करेंगे। रिकैप के तौर पर आपको बता दूं, लास्ट लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था वैदिक सभ्यता कि लोगों ने अपने आप को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लिया था, किस तरीके से इंप्रूवमेंट उनमें आ गई थी, क्योंकि उससे पहले हड़प्पा सभ्यता देखी थी, उसके बाद आर्य आए जिनको वैदिक सभ्यता कहा गया, साथ ही हमने अपने वेद भी देख लिए, चारों वेद देख लिए, क्या-क्या चीजें लोगों ने नया करना शुरू कर दिया, अपना आर्थिक जीवन किसके ऊपर वो व्यतीत करने लगे, ठीक है, हवन वगैरह करने लगे, पूजा पाठ वो करने लगे थे, ठीक है, स्त्रियों की कंडीशन कैसी थी वो सब कुछ हमने देखा था, ठीक है। ये जो बात थी वैदिक सभ्यता की, आपको पता है 1500 से 600 BC के बीच में थी, यानी कि आज से लगभग 3520 साल पहले की बात थी। तो ये सब कुछ लास्ट लेक्चर में कवर हो गया था। आज कवर करेंगे 6ठी शताब्दी जब हमारी आ जाती है तो उसमें हमारे कुछ धार्मिक आंदोलन आते हैं, यानी कि बहुत सारे धर्म आ जाते हैं, ठीक है, हिंदू धर्म के विरोध में बहुत सारे धर्मों की उत्पत्ति हो जाती है, जिसमें से 4-5 धर्म थोड़ा सा प्रभाव छोड़ पाए थे, जिसमें से जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, साथ ही एक हमारा भागवत धर्म था, एक हमारा आजीविका धर्म था और साथ ही एक शैव धर्म था। ये 4-5 धर्म थे। सबसे ज्यादा जो छाप छोड़ी, सबसे ज्यादा जो प्रभाव डाला, ठीक है, समाज के ऊपर, वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने डाला, जिनके बारे में आज तक लोग जानते हैं, ठीक है, जिनको आज तक लोग प्रमोट कर रहे हैं, जिनके आज तक लोग फॉलोवर हैं। तो इन दो धर्म के बारे में डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि सबसे जबरदस्त छाप इन दो धर्मों ने छोड़ी। बौद्ध धर्म जो हमारा है, इसके जो मतलब प्रमोटर या फिर रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए, वो थे हमारे महात्मा बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध भी जिनको बोला जाता है, और जैन धर्म के महावीर जैन, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और एक तरीके से इनको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है जैन धर्म का। तो चलिए डिटेल से कवर करते हैं पहले, बाद में मगध साम्राज्य देखेंगे, क्योंकि 6ठी शताब्दी शुरू होते ही पहले हमारे धार्मिक आंदोलन आ जाते हैं। सबसे पहले कवर कर लेते हैं जैन धर्म। फ्रेंड्स, जैन धर्म के जो रिप्रेजेंटेटिव थे,
ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं, थे महावीर जैन। इनका जो पूरा नाम था वो वर्धमान महावीर जैन इनको कहा जाता था। जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थकर रहे थे, जिसमें से पहले तीर्थकर ऋषभदेव माने जाते हैं और ऋषभदेव को ही इनका संस्थापक भी माना जाता है। और 23वें जो तीर्थकर थे, ठीक है, 24 तीर्थकर हुए थे, पहले नोट करिएगा ये चीज, ऋषभदेव थे और जो 23वें तीर्थकर थे वो परशुनाथ थे और 24वें तीर्थकर थे वो महावीर जैन। इन्होंने ही जैन धर्म को फैलाया था, इन्होंने ही जैन धर्म का अच्छे से प्रमोट किया था, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है जैन धर्म का। ठीक है, तो ये है महावीर जैन, आप देख रहे हैं। अब क्वेश्चन बन जाता है कि महावीर जैन जो थे इनका जन्म कब हुआ था, कहां पर हुआ था, ये तो सभी डिटेल छोटी का लिखी हुई है, बताऊंगा आपको, लेकिन ये कौन से कुल या फिर मतलब कौन से वंश से बिलोंग करते थे, तो ज्ञातर्क वंश से बिलोंग करते थे, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखें। सबसे पहले तो जो जैन धर्म है हमारा, ये भगवान में विश्वास नहीं करता था, ठीक है, भगवान का अस्तित्व है ये नहीं मानते थे, लेकिन आत्मा और पुनर्जीवन में ये विश्वास रखते थे, भगवान में जैन धर्म विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, जो महावीर जैन थे 24वें तीर्थकर थे, पता चल गया है, इनका जो जन्म हुआ था वो 540 BC में हुआ था। अब डेफिनेटली काफी सारे लोग कमेंट करने लग जाएंगे कि भैया आपने गलत बता दिया, 540 BC में हुआ था कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा, लेकिन कुछ स्रोत ऐसे भी हैं जिनके थ्रू बताया गया कि 599 ईस्वी में ईस्वी पूर्व में हुआ था, बीसी में हुआ था, यानी कि 599 में। ये एक्सेप्शन है, यानी कि ये अपवाद है, आज तक भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अगर ज्यादा प्रायोरिटी की बात माने तो ज्यादातर 540 BC ही बोला जाता है, एग्जाम में ज्यादातर यही लिखा जाएगा। वैसे ये एक्सेप्शन है, एक UPSC का इंटरव्यू बहुत फेमस हुआ था यूट्यूब के ऊपर, तो यही एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। महावीर जैन का पूरा नाम वर्धमान महावीर, जन्म 540 BC में हुआ था, चाइल्डहुड नेम इनका जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था, इसलिए इनको वर्धमान महावीर जैन बोला जाता है। फादर का इनका जो नाम था सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम था, इनकी माता का नाम त्रिशला था। एक बात बता दूं, ये सभी चीजें नोट कर लीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, समझ तो नहीं पाओगे लेकिन रट्टा मार लीजिएगा, काम हो जाएगा, 20-30 क्वेश्चन इनसे बन जाएंगे। पूछ लिया जाता है कुछ भी कि इनके पिता का नाम माता का नाम, एग्जैक्ट पूछा जाता है। एल्डर ब्रदर इनके एक बड़े भाई भी थे, ठीक है, महावीर जैन के, जिसका नाम था नंदीवर्धन इनके बड़े भाई का नाम था। कोई नहीं बताएगा कि इनके बड़ा भाई भी था, ठीक है, किसी बुक में भी मुश्किल लिखा होगा। इनकी पत्नी का जो नाम था वो यशोदा था, साथ ही इनकी बेटी भी थी, पुत्री भी थी, उसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, हिंदी में नोट कर लीजिए, इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। साथ ही इन्होंने जो अपना ग्रह त्याग किया, जन्म 540 BC में हो गया, लेकिन इन्होंने ग्रह त्याग दिया था, ठीक है, होम सैक्रिफाइस, इन्होंने 30 साल की उम्र में, यानी कि 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था कि अब तो जीवन बस सब कुछ समर्पित कर देना है धर्म के प्रति। साथ ही इन्होंने जो मतलब तपस्या की थी वो उस स्थान का नाम पूछ रहा है, ठीक है, एस्ट्रिटी प्लेस, यानी कि जहां पर इन्होंने तप स्थल पूछ रहा है, ठीक है, ज्रामभिक विलेज, एक गांव पड़ता है ज्रामभिक, तो उस विलेज में इन्होंने अपनी तपस्या की थी, वो इनका तप स्थल था। साथ ही अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, यानी कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कब हुई, 12 साल बाद, इन्हें 12 साल बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, 30 साल की उम्र में इन्होंने ग्रह त्याग किया, 12 साल इन्होंने जमकर तपस्या की, कहां पर की, ज्रामभिक विलेज में की, पेड़ के नीचे बैठकर, एक पेड़ का नाम मैं आपको आगे बताऊंगा क्या था, साल का ट्री था, साल का वर्ष, उसके नीचे इन्होंने तपस्या की और 12 साल में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, ये देखिए कहां पर, रजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका जो पहला फॉलोवर या फिर पहला अनुयायी या फिर पहला शिष्य कह लीजिए कौन था, जमाली था। लैंग्वेज इनकी क्या है, यानी कि जो जैन धर्म है उसकी भाषा क्या है, प्राकृत भाषा, नेचुरल भाषा इनकी है। साथ ही महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी वो 468 BC में हुई थी। जन्म कब हुआ था इनका, 540 BC में, मृत्यु 468 BC में हुई, कहां पर हुई थी, पावापुरी, एक जगह पड़ती है वहां पर हुई थी। तो ये सभी चीजें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन मैं तो ये कहूंगा वीडियो को पॉज करिए और सभी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, महावीर जैन, वर्धमान महावीर लिखकर उसके नीचे। अब फ्रेंड्स एक और चीज मैं आपको जैन धर्म के बारे में बता दूं, जब भी आप किसी जैन धर्म के इंसान को देखते होंगे माइंड में यार कंफ्यूजन रहता होगा
कि कुछ जैन धर्म के लोग जो है तो वे ऐसे सफेद कपड़े पहनते हैं और कुछ जो जैन धर्म के लोग हैं वो बिना कपड़ों के रहते हैं, यानी कि नग्न अवस्था में रहते हैं। ऐसा क्यों? देखिए फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, राजा आएंगे मौर्य काल के, वो जैन धर्म के एक बहुत बड़े अनुयायी थे, यानी कि फॉलोवर थे, मानते थे जैन धर्म को, उन्होंने प्रमोट भी किया, उन्होंने जैन धर्म की पहली संगीति भी करवाई थी। अब पहली जब संगीति या फिर जैन धर्म की पहली सभा कह लीजिए उन्होंने करवाई थी, जब जैन धर्म की पहली सभा उन्होंने करवाई तो उसमें जो जैन धर्म है वो दो कैटेगरी में बट गया था। दो कैटेगरी कौन सी हो गई थी? एक तो हो गई थी श्वेतांबर, ठीक है, एक हो गई थी हमारे दिगंबर। अब जो श्वेतांबर कैटेगरी है जैन धर्म की, उसके जो लोग हैं यानी कि श्वेतांबर कैटेगरी को अपनाया हुआ है जिन लोगों ने जैन धर्म की, तो वो तो पहनेंगे ऐसे सफेद वस्त्र, इस टाइप के आपने देखा होगा सड़क वगैरह पर जाते हुए या फिर जो जैन मंदिर होते हैं वहां पर देखा होगा। और जो दिगंबर जैन धर्म कैटेगरी के लोग हैं वो ऐसे रहते हैं नग्न अवस्था में, यानी कि वो वस्त्र नहीं पहनते, उन्होंने वस्त्र को त्याग रखा है। तो ये डिफरेंस है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जैन धर्म की दो कैटेगरी थी जो मौर्य काल के टाइम पर जब पहली इसकी सभा हुई थी वो कौन सी थी, उसमें एक श्वेतांबर हो जाती है, एक दिगंबर हो जाती है। नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रहेगा, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं हमारा बौद्ध धर्म। इसी के साथ साथ एक और धर्म था जो जिसने काफी तगड़ा प्रभाव छोड़ा, जैन धर्म हो गया, अब बौद्ध धर्म भी आ गया हमारा। अब धर्म तो बहुत सारे थे, बहुत सारे धर्म चल रहे थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, जैन बौद्ध धर्म कहता है कि लगभग 62 धर्म उस टाइम पर आए थे, और जैन धर्म कहता है कि लगभग 363 धर्म थे, ठीक है, इनके ग्रंथ के थ्रू पता चलता है, जो जैन ग्रंथ है या फिर बौद्ध ग्रंथ है उनके के साथ पता चलता है कि इतने सारे धर्म आए। अब यहां पर आप हिस्ट्री में केवल दो धर्म के बारे में डिटेल से जानते हो, उसका मतलब नहीं कि ये दो ही धर्म आए थे उस टाइम पर 6वीं शताब्दी के आसपास, बहुत सारे धर्म थे, 100 से भी ज्यादा धर्म थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा वो इन्हीं धर्म ने छोड़ा। कुछ धर्म के नाम मैंने आपको अभी बताए थे, भागवत धर्म, शैव धर्म, साथ ही इस्लामिक धर्म की भी उत्पत्ति हुई थी इससे कुछ टाइम आगे चलकर, और बहुत सारे धर्म आए थे, सिख धर्म भी आया था, लेकिन सबसे प्रभावशाली यही धर्म रहे थे। अब बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म जो है ये जो है भगवान में थोड़ा सा विश्वास भी रखते थे, और मतलब आत्मा वगैरह में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ठीक है, ये इसका एक सिंपल सी लैंग्वेज हो जाती है बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के जो रिप्रेजेंटेटिव या फिर प्रमोटर कह लीजिए वो थे महात्मा बुद्ध, जिनको गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल ये भी उठता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो महावीर जैन थे वो कौन से वंश या फिर कौन से कुल से रिलेट करते थे, आपको बताया ज्ञातर्क कुल से थे। अब बौद्ध के जो महात्मा बुद्ध है ये भी हमारे एक कुल से रिलेट करते थे, शाक्य अक्षत्रिय कुल। क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि जो महात्मा बुद्ध है वो कौन से कुल के हैं या फिर महात्मा बुद्ध कौन से वंश के हैं, तो आप आंसर लगाओगे शाक्य अक्षत्रिय कुल, ठीक है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध की लाइफ के बारे में, क्योंकि ये तो यार बौद्ध धर्म के प्रमोटर थे। बोर्न, इनकी जो इनका जो जन्म हुआ महात्मा बुद्ध का, 563 BC के अंदर इनका जन्म हुआ, 540 में किसका हुआ था, महावीर जैन का हुआ था, और 563 BC में गौतम बुद्ध का हुआ था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी आज आधुनिक नेपाल के नाम से जाना जाता है। चाइल्डहुड इनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, ठीक है, याद रखिएगा इनको सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध कई नामों से जाना जाता है क्योंकि इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। साथ ही अदर नेम, दूसरा क्या नाम था, कहीं कोई नहीं बताएगा लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, UPSC बैंक के लेवल में पूछा जाता है, तथागत इनका दूसरा नाम तथागत भी था और साथ ही सिद्धार्थ, तो मैंने आपको बता दिया गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ, तथागत, ये इनके नाम थे। फैमिली नेम यानी कि परिवार में जो इनको जाना जाता था, इनका पारिवारिक नेम जो था वो गौतम था। फादर के नाम इनका सुद्बोधन था, देखे स्पेलिंग देखे सुद्बोधन, ठीक है, सुद्बोधन, ठीक है, हिंदी वाले एक बार फिर से लिखे सुद्बोधन। नेक्स्ट है मदर, माता का नाम इनका क्या था, माता का नाम था महामाया देवी। ये जो थी इनकी माता ये कौशल वंश से बिलोंग करती थी, महामाया इनकी माता का नाम था गौतम बुद्ध की और ये कौशल वंश से बिलोंग करती थी, ये चीज भी कोई नहीं बताता, नोट डाउन कर लीजिए। और ये इनकी मतलब ओरिजिनल मदर थी जिन्होंने इन्हें जन्म दिया महामाया। अब इनकी एक सौतेली माँ भी थी जिन्होंने गौतम बुद्ध को पाला था, उनका नाम था
गौतमी जो इनकी स्टेप मदर थी, जिन्होंने पालन पोषण किया था गौतम बुद्ध का, उसका नाम था गौतमी, यहां पर आई लगा लीजिएगा। इनकी पत्नी का जो नाम था वो यशोदरा था, साथ ही इनका पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था, राहुल आज के जमाने का नाम है, वाओ। साथ ही कजिन ब्रदर यानी कि इनके चाचा के लड़के का जो नाम था, यानी कि इसका एक चचेरा भाई भी था जिनका नाम था देवदत्त, ये भी चीज कोई नहीं बताता, किसी बुक में नहीं लिखी होगी, गौतम बुद्ध के चचेरे भाई का नाम था देवदत्त। साथ ही इनका जो तप साइट थी जहां पर इनको इन्होंने तपस्या शुरू की थी, तप स्थल इनका क्या था, वो था बोधगया। बोधगया में इन्होंने तपस्या शुरू की थी, साथ ही तपस्या कितने साल की इन्होंने की, 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की, महावीर जैन ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। साथ ही होम सैक्रिफाइस घर त्याग इन्होंने कब किया, 29 साल की उम्र में इन्होंने घर त्याग कर दिया था, 16 साल की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया था यशोधरा के साथ, और लगभग 29 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था कि अब तो सब कुछ जीवन धर्म को समर्पित करते हैं और तपस्या करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अब देखिए जो महात्मा बुद्ध है इनके जीवन में जो घटनाएं हुई उनको अलग अलग नाम दिया गया है, इन्होंने गृह त्याग किया तो उस घटना को एक नाम दिया गया है, यहां पर देखिए 29 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग दिया तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया है, नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण कब किया था, 29 साल की उम्र में, ठीक है, तो ये घटना याद कर लीजिए। अब एक है इनको नॉलेज कब प्राप्त हुई थी, देखिए अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति इनको 35 साल की उम्र में हो गई थी, निरंजना नदी के किनारे, साथ ही गया एक जगह है वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और साथ ही इनका जो पहला मतलब उपदेश दिया, महात्मा बुद्ध ने अपनी लाइफ का जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और ये भी उनकी लाइफ के घटना हुई तो इस घटना को भी एक नाम दिया गया, धर्म चक्र परिवर्तन। जब महात्मा बुद्ध ने अपनी लाइफ का पहला उपदेश दिया सारनाथ में, उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया है। साथ ही इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 483 बीसी में हुई थी, जन्म 563 ईस्वी में बीसी में मतलब ईस्वी पूर्व में, और जो डाइड इनकी मृत्यु हुई थी वो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहां पर हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। साथ ही जो ये घटना हुई इनकी लाइफ में यानी कि इनकी मृत्यु की घटना, इसको भी एक नाम दिया गया है, देखिए महापरिनिवारण इस घटना को नाम दिया गया है। अगर थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तेजी में तो माफ करिएगा, लेकिन सब कुछ चीजें नोट डाउन है, प्रॉपर नोट डाउन कर लीजिए, कर लीजिएगा। अब महात्मा बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे इनको एक नाम दिया गया, इनको एक उपाधि कह लीजिए दी गई थी जिस नाम से जाने जाते थे, जिस नाम से अब तक ये पॉपुलर है, लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का उजाला इनको कहा गया है, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया की उपाधि है, नोट डाउन कर लीजिए, ये चीज नीचे मैंने लिखी हुई है। तो ये सब कुछ महात्मा बुद्ध के बारे में यहां पर है, नोट डाउन कर लीजिए, हर बार एक ही चीज कह रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन पता नहीं आप करते भी हो या फिर नहीं हो। अब महात्मा बुद्ध की लाइफ में और कुछ घटनाएं हुई थी, उनके अपने कुछ प्रतीक हैं, जैसे कि जब उनका जन्म हुआ था उसका प्रतीक है कमल, साथ ही गृह त्याग उन्होंने किया था उसका प्रतीक है घोड़ा, साथ ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसका प्रतीक है पीपल, क्योंकि इन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महावीर जैन को साल के पेड़ के नीचे हुई थी। और नदी कौन कौन सी थी आपको पता ही है, यहां पर जो नदी थी वो थी हमारी निरंजना नदी, और महावीर जैन पे रजूपालिका नदी थी, ये चीजें यार नोट करने की चीजें हैं। साथ ही मृत्यु जो हुई थी इनकी उसका प्रतीक है हमारा स्तूप। देखिए हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बौद्ध धर्म की 4 डिफरेंट संगीतियां भी हुई थी जो कि डिफरेंट राजवंशों के राजाओं ने करवाई थी। जब हम राजवंशों और राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से एक एक संगीति के बारे में बताता चलूंगा, आपको प्रॉपर नोट डाउन कराता चलूंगा, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देता हूं, जैसे कि पहली बौद्ध संगीति हरियंक वंश के राजा अजात शत्रु ने राजगृह में करवाई थी, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक ने करवाई थी, तीसरी बौद्ध संगीति मौर्य राजा अशोक ने करवाई थी, चौथी बौद्ध संगीति हमारी करवाई थी कनिष्क ने यानी कि कुषाण वंश के राजा।
बने। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी बार ये भी बन जाता है कि बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो कौन सी थी। देखिए बौद्ध धर्म में जितने भी ग्रंथ वगैरह लिखे गए हैं या फिर जो भी चीजें लिखी गई हैं उपदेश वगैरह वो सभी पाली भाषा में लिखी गई है, तो कह सकते हैं बौद्ध धर्म की भाषा पाली भाषा थी। और जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो फ्रेंड्स ये हमारे धर्म के बारे में सब कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो खत्म होता है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए फ्रेंड्स छठी शताब्दी हमारी चल रही है, तो छठी शताब्दी के चलते चलते लोगों ने लोहे का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो आर्थिक कंडीशन थी वो काफी हद तक सुधर गई थी। लोहे का इतना इस्तेमाल होने लगा जिसकी वजह से यहाँ पर छोटे छोटे कुछ बड़े बड़े महाजनपदों का निर्माण होने लगा था, जिसमें से बहुत सारे महाजनपद थे, लेकिन 16 ऐसे महाजनपद रहे जो कि बहुत फेमस हुए, और 16 में से 4-5 ऐसे महाजनपद थे जो कि राजवंशों के अस्तित्व में आए, यानी कि जिन पर राज किया गया, और जिसमें से एक सबसे बड़ा महाजनपद हमारा मगध साम्राज्य है जिसके ऊपर बहुत सारे राजाओं ने राज किया, बहुत सारे राजा यहां पर अस्तित्व में आए, और इसी के बाद से यहां से ही अखंड भारत का निर्माण भी हुआ। यानी कि पहले तो मगध साम्राज्य रहा, छोटा सा पार्ट रहा, उसके बाद जब मौर्य राजा आए, मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य आया, चाणक्य आया, तो अखंड भारत का निर्माण हो गया, यानी कि पूरे भारत पर एक ही राजा का अस्तित्व हो गया था, ऐसी भी सिचुएशन आई। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो राजवंश थे, कौन कौन से वो महाजनपद थे। तो मगध साम्राज्य हम पढ़ रहे हैं 6th century BC। ये मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर वो मतलब मगध जो मगध साम्राज्य है और महाजनपद है, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। ये देखिए 16 महाजनपद के बारे में मैंने आपको बताया जो कि थोड़े से शक्तिशाली थे और 4-5 उनमें से ज्यादा शक्तिशाली थे, जो लाल से मतलब लाल कलर से सर्किल हुए हुए हैं, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजतंत्र थे आप ऐसा कह सकते हैं, जिसमें से एक हमारा मगध था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनी, जिसमें से एक हमारा कौशल था जिसकी राजधानी शर्वासी बनी, साथ ही अवंती उज्जैन इसकी राजधानी बनी, जिसमें से एक था मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर बनी, साथ ही एक शूरसेन था जिसकी राजधानी मथुरा बनी, साथ ही एक मल था जिसकी राजधानी कुशीनारा बनी, साथ ही काशी इसकी राजधानी वाराणसी बनी, एक विज वैशाली इसकी राजधानी थी, और जो वैशाली था ये सबसे बड़ा गणराज्य था इनमें से, साथ ही एक अंगा जिसकी राजधानी चंपा बनी, और आप यहाँ पर देख रहे हो काफी सारे गांधार तक्षशिला इसकी राजधानी बनी, काम्बोज रायपुर इसकी राजधानी बनी, हस्तिनापुर कुरु इसकी राजधानी बनी, और भी काफी सारे देख रहे हो, छेदी शुक्तिमती इसकी राजधानी बनी, और एकमात्र ऐसा गणराज्य था या फिर महाजनपद था जो कि साउथ इंडिया में था, यानी कि दक्षिणी भारत में था, जिसका नाम था अश्मक, नोट कर लीजिएगा, इसकी राजधानी पोटली थी। साउथ इंडिया ये एक ऐसा गणराज्य बना था। तो फ्रेंड्स ये सारे 16 महाजनपद थे जो कि उस टाइम पर बने थे, और अस्तित्व में आया सबसे ज्यादा उभर कर हमारा मगध पाटलिपुत्र जिसकी फाइनली राजधानी बनी थी। तो चलिए डिटेल से इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले लेते हैं मगध साम्राज्य, ऑब्वियसली मगध साम्राज्य ही लेंगे, बाकी इंपोर्टेंट नहीं है, मगध साम्राज्य ही हिस्ट्री में ज्यादा पूछा जाता है और एग्जाम में यही आते हैं, क्योंकि इसी ने प्रभाव छोड़ा था, बाकी छोटे छोटे गणराज्य थे, आगे चलकर मगध साम्राज्य के ऊपर राजाओं का अस्तित्व आया, राजाओं ने राज किया, तो उन्होंने बाकी के उज्जैन हुआ, वैशाली हुआ, उनको भी अपने में ही मिला लिया था, उनके ऊपर जीत हासिल कर ली थी, तो मगध साम्राज्य का ही फैलाव होता चला गया था। देखिए जब शुरुआत आई, सबसे पहला जो साम्राज्य था वो हरियंक वंश था, ठीक है, बिंबिसार राजा बना, तो इतना केवल ये मगध इतने के ऊपर इन्होंने राज किया। उसके बाद धीरे धीरे आगे चलते गए, थोड़ा और बढ़ता चला गया, शुंग वंश वगैरह आए, उसके बाद जब मौर्य साम्राज्य आया, चंद्रगुप्त मौर्य आए अपने चाणक्य के साथ, तब उन्होंने अखंड भारत का निर्माण कर दिया, ये पूरा भारत और पाकिस्तान जहां अब है अफगानिस्तान वो सब कुछ अपने अस्तित्व में ले लिया था। तो ये पूरा हिस्ट्री चल रहा है हमारा। चलिए छठी शताब्दी के मगध साम्राज्य के ऊपर जो पहला राजवंश आया वो हरियंका राजवंश था, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, और हरियंका राजवंश ने जो अपनी राजधानी बनाई वो राजगृह को बनाई जो कि यहां पर स्थित थी। अब हरियंका राजवंश का जो शासनकाल चला वो 544 बीसी से लेकर 412 बीसी यानी कि ईस्वी पूर्व तक चला, ठीक है, ये भी चीजें नोट डाउन करने वाली है।
थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। हरियंग साम्राज्य की जो स्थापना की यानी कि जो नींव रखी वो किसने रखी, इसका पहला राजा कौन था, पहला शासक कौन था, इनका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार इसका नाम था और 545 BC में ये हरियंग वंश के गद्दी पर बैठा और इसने अपना शासन शुरू कर दिया मगध साम्राज्य के ऊपर। ठीक है, इसने कुछ टाइम अपना शासन किया 545 पर गद्दी पर बैठा, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं टिक पाया। कुछ टाइम बाद इसके पुत्र जिसका नाम था अजातशत्रु, उसने इसकी हत्या कर दी, बंदी बना के भी रखा और इसकी बाद में हत्या कर दी और खुद गद्दी हथियार ली, गद्दी पर बैठ गया और 412 BC में ये गद्दी पर बैठ गया अजातशत्रु। ठीक है, अब इसने शासन करना शुरू कर दिया। अजातशत्रु को कुणिक या फिर पितृहत्ता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या कर गद्दी हासिल की थी और पहली बोध संगति राजगृह में अजातशत्रु ने करवाई थी, क्योंकि ये प्रमोटर था बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी कि फॉलोअर था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। अब अजातशत्रु भी ज्यादा दिन तक कहां टिकता, अपने पिता की गद्दी हत्याई थी उनको मारकर, तो अजातशत्रु के पुत्र यानी कि उसके बेटे ने अजातशत्रु की हत्या कर दी और गद्दी हत्या ली। लगभग 475 ईस्वी पूर्व में इसने अजातशत्रु की मृत्यु कर दी, मतलब हत्या कर दी। ठीक है, और 461 BC तक इसने गद्दी पर राज किया। नाम क्या था, उदयन। अजातशत्रु के पुत्र का नाम उदयन अपने ही पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया। अब जो यार पूर्वज चलता हुआ आ रहा था, ये बैठा गद्दी पर बिंबिसार, इसने अपने पिता की हत्या करी वो गद्दी पर बैठ गया, फिर उदयन ने अपने पिता की हत्या करी वो गद्दी पर बैठ गया, और उदयन जब गद्दी पर बैठा इसने पाटलिपुत्र की स्थापना कर दी थी इसने। ठीक है, राजधानी तो शायद आगे बदलेगी। पाटलिपुत्र आप जानते हो कहां है, फिलहाल बिहार के अंदर पड़ता था पाटलिपुत्र उस टाइम पर, और आज पटना को ही पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने, जो कि आगे चलकर राजधानी भी बनी थी मगध की। अब उदयन के बाद जो लास्ट शासक था हरियंक वंश का, वो गद्दी पर बैठा नागदशक, ये लास्ट शासक माना जाता है हरियंक वंश का। इसके बाद कोई भी हरियंक वंश का शासक ने राज नहीं किया। अब यहां पर नागदशक आखिरी शासक था, हरियंक वंश खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, हमला करते हैं बाहर से शिशुनाग। ठीक है, ये हमला करते हैं, नागदशक को भी हटाता है और फिर गद्दी हथिया लेता है और एक नए राजवंश की स्थापना होती है जिसका नाम होता है नाग राजवंश कह लेते हैं, या फिर इसे शिशुनाग राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। शिशुनाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला जो राजा था नागवंश की स्थापना करने वाला वो शिशुनाग ही था, तो इसको नागवंश भी कह सकते हैं, शिशुनाग वंश भी कह सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। 412 BC में इस वंश की स्थापना हुई और गद्दी पर बैठ गया हमारा शिशुनाग, ये जो आप देख रहे हैं। और ये एक ऐसा राजा था जिसने अवंती, जो कि मैंने आपको अभी मैप में दिखाया था, देखिए अवंती, ये अवंती उज्जैन, इसको इसने जीत लिया था मगध से, यहां पर ये राज कर रहा था तो इसने अवंती जीत लिया था, यानी कि शिशुनाग ने यहां तक का साम्राज्य हासिल कर लिया था, जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा था, मतलब यहां तक का पहुंच चुके थे शिशुनाग के टाइम पर। क्लियर है, तो शिशुनाग जैसे गद्दी पर बैठा, हरियंक वंश की राजधानी क्या थी, राजगृह थी, शिशुनाग गद्दी पर बैठा तो डेफिनेटली उसने अपनी राजधानी चेंज कर दी, क्या रख दी, वैशाली। शिशुनाग ने अपनी राजधानी रखी वैशाली, ठीक है, और वैशाली इसने अपनी कैपिटल कर दी। अब इसके बाद इसका बेटा यानी कि इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है और अपने पिता की हत्या कर देता है, ऑब्वियसली शिशुनाग की, क्योंकि ऐसा ही चलता आ रहा है। उसका नाम था काला अशोक, काला अशोक गद्दी पर बैठता है। अब मैंने आपको बताया था, जैसे ही मैं आपको राजवंशों राजाओं के बारे में बताऊंगा तो बौद्ध संगति के बारे में बताता चलूंगा। पहली बौद्ध संगति बता दी थी अजातशत्रु ने करवाई, दूसरी जो बौद्ध संगति करवाई थी वो काला अशोक यानी कि शिशुनाग के पुत्र ने करवाई थी, वैशाली बिहार में करवाई थी, ये चीज नोट कर लीजिएगा, दूसरी बौद्ध संगति काला अशोक ने वैशाली बिहार के अंदर करवाई थी, तो ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो इसको काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है काला अशोक को। तो ये दो मतलब प्रभावी शासक रहे शिशुनाग राजवंश के, इसके बाद और कोई नहीं था। नेक्स्ट है, नंद वंश की स्थापना हो जाती है। फ्रेंड्स, शिशुनाग नागवंश खत्म हो जाता है, कुछ राज्य जीतता है, अवंती वगैरह वैशाली वगैरह पर अपना राज कर लेता है, उसके बाद नया साम्राज्य आता है, मगध की गद्दी पर बैठता है और नंदा डेंस्ट की
स्थापना कर देता है। नंदा वंश की जो शासन काल रहा वो 344 बीसी से लेकर 323 बीसी के बीच में रहा। जितने भी मैं आपको टाइम ड्यूरेशन बताता हूं उसको भी नोट कर लिया करें, जब रिवीजन आप करोगे तो काफी बेनिफिट आपको इसमें मिलता है। तो नंद वंश की स्थापना हो जाती है। स्थापना कौन करता है? नंद वंश देख लीजिए मैप में यहां से यहां तक फैल जाता है, मतलब बाकी के जो महाजनपद थे या फिर राजतंत्र थे उनको भी अपने अंडर कर लेता है ये। अब इसका संस्थापक कौन था नंद वंश का? महापद्मनंद नंद वंश का पहला संस्थापक या फिर पहला राजा कहा जाता है, क्योंकि इसी ने ही इसकी स्थापना की थी और ये इसका पहला राजा था। महापद्मनंद की जगह इसको एक और नाम से भी जाना जाता है हिस्ट्री में, उग्रसेन। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। और ये एकमात्र ऐसा शासक था नंद वंश का कह लीजिए या फिर जो मगध साम्राज्य बना था और जितने भी राजा गए थे उनमें से एकमात्र ऐसा राजा था जिसने ज्यादातर गणराज्यों को जीत लिया था और अपने में मिला लिया था। इसने कौशल राज्य को भी जीत लिया था, साथ ही मिथिला राज्य को भी जीत लिया था, पांचाल राज्य को भी जीत लिया था और अश्मक जो कि मैंने आपको बताया था एकमात्र दक्षिणी भारत का राजतंत्र था अश्मक, ठीक है, पोटली जिसकी राजधानी थी उसको भी इसने जीत लिया था और अपने में मिला लिया था। तो काफी सारे राज्य जीते और इसको यार मतलब जो महापद्मनंद है इसको डेस्ट्रॉयर ऑफ अक्षत्रिय माना जाता है, यानी कि अक्षत्रियों का नाश करने वाला इसको कहा गया है। और ये कलिंग तक पहुंच गया था, मैंने आपको बताया था कलिंग कहां पर अभी मैप में, तो कलिंग भी इसने जीत लिया था। तो काफी गणराज्य इसने जीत के अपने अंदर मिला लिए थे, तो ये इसकी कुछ खास बात है। और ये नंद वंश का संस्थापक था। और महापद्मनंद के बाद नंद वंश की गद्दी पर बैठता है धनानंद और ये आखिरी शासक था नंद वंश का। हिस्ट्री के अनुसार ये कहा जाता है कि ये थोड़ा से अय्यास टाइप का था, किसी का भी ज्यादातर नहीं सुनता था, खुद करता था, ठीक है। धनानंद इसकी स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगा, कुछ इंटरेस्टिंग है जो कि चाणक्य के साथ हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने जब अखंड भारत का निर्माण किया था इस राजा को हराने के बाद, इसकी मृत्यु करने के बाद, ठीक है। तो ये लास्ट रूरल है और इसी के टाइम पर अलेक्जेंडर सिकंदर की बात कर रहा हूं, सिकंदर ने नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी से भारत के ऊपर आक्रमण भी कर दिया था लगभग 326 ईस्वी पूर्व में। कहां से कर दिया था? खैबर दरार पड़ती है एक नॉर्थ और वेस्ट में, उस दरार से इसने भारत पर आक्रमण कर दिया था। पश्चिमी ओर इसने नहीं, मतलब इसके शासनकाल में अलेक्जेंडर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया था। अब कैसे कर दिया था आक्रमण वो मैं आपको बताऊंगा आज के लेक्चर में ही। उससे पहले यार धनानंद जो था इसको गद्दी से किसने हटाया, ठीक है, इसको किसने मारा? वो थी एक जबरदस्त जोड़ी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी थी। चाणक्य क्या चाहते थे जब धनानंद गद्दी पर बैठा था? चाणक्य चाहते थे कि एक अखंड भारत का निर्माण हो, एक ही राजा हो पूरे भारत में और वही राज करे, एक ही जैसा राजतंत्र हर जगह चले। धनानंद के राजा राज्य में गए चाणक्य और ये प्रस्ताव रखा कि तुम गद्दी पर बैठना और एक अखंड भारत के निर्माण करते हैं, ऐसे ऐसे रणनीति बताई, तो मतलब भगा दिया चाणक्य को। धनानंद ने एक भी बात नहीं सुनी क्योंकि वो थोड़े मदिरा वगैरह में ऐसा रहता था और इस टाइप थोड़ा यस टाइप का राजा कहा जाता था। फिर ठान ली चाणक्य ने कि मैं तो अखंड भारत का निर्माण करके रहूंगा और फिर एक छोटा बच्चा 10-12 साल का धनानंद ने चाणक्य ने खड़ा किया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और ये बड़े हुए और एक पूरी प्रॉपर रणनीति बनाई और धनानंद को गद्दी से हटाया, आक्रमण किया और फिर एक अखंड भारत का निर्माण करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने गद्दी पर बैठाया। तो ये पूरा सीन चला था, इसी वजह से नंद वंश खत्म हुआ था और धनानंद खत्म हुआ था और जिसके बाद मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति होती है जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले धनानंद के टाइम पर ही जो अलेक्जेंडर सिकंदर का आक्रमण हुआ था उसको देख लेते हैं। अलेक्जेंडर सिकंदर भी इतिहास में 2-3 हुए हैं, एक सिकंदर जो कि अलेक्जेंडर के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो कि प्राचीन भारत के इतिहास में आता है, एक मध्यकालीन भारत के इतिहास में आएगा सिकंदर लोदी, वो बिल्कुल अलग है, वो लोदी वंश का राजा था। अलेक्जेंडर ये एक यूनानी शासक था, ठीक है, जो कि इस साइड से आया था। अब भारत के ऊपर आक्रमण करने से पहले यहां तक इससे पहले उसका राज्य था जो कि यूनान से आया था, यूनानी राजा था। यहां पर एक खैबर दरार पड़ती है, आपको दिखा दूं, ये वाला एक खैबर दरार पड़ता है, ठीक है, इस दरार से वो आया भारत के अंदर घुसा और पंजाब प्रांत की साइड में उसने आक्रमण कर दिया था, ठीक है। लगभग ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, इमेज देख रहे हो, ये 325 बीसी की है, यानी कि भारत के ऊपर आक्रमण करने के बाद, क्योंकि उसने ये सब कुछ
छीन लिया था, इस सब के ऊपर उसने अधिकार जमा लिया था। और ये नंदा डांस उस टाइम पर यहाँ था और उसने यहाँ पर आक्रमण करके ये अपने वश में कर लिया था धनानंद के टाइम पर। समझ गए, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर भी कहा जाता है, अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, और सिकंदर अलेक्जेंडर इसका पूरा नाम है। 326 बीसी में इसने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था। इसका जो जन्म हुआ था 356 बीसी में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप सेकंड था। यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, काफ़ी सारी बुक्स में इंटरनेट के ऊपर ये लिखा हुआ है जो फिलिप था वो इसका सेनापति था, लेकिन अगर विकिपीडिया की माने और थोड़े से और स्ट्रॉन्ग सोर्सेज की माने जो फिलिप्स था वो इसका पिता ही था। सेकंड फिलिप सेकंड इसका पिता था, लेकिन जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना कि सिकंदर का सेनापति था वो फिलिप, इस वजह से होता है क्योंकि सिकंदर की मृत्यु के बाद या फिर उसके टाइम के बाद एक फिलिप थर्ड आया था। फिलिप सेकंड सिकंदर का पिता था, लेकिन फिलिप थर्ड आया था सिकंदर के बाद, ठीक है, जिसने थोड़ा सा राजवंशों को संभाला था और कुछ सेनापति का रोल भी निभाया था। इसी वजह से काफी जगह ये अपवाद बना हुआ है कि सिकंदर का जो सेनापति था वो फिलिप्स था, लेकिन सिकंदर का जो पिता था वो फिलिप सेकंड था। तो फिलिप सेकंड फिलिप थर्ड के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है। इसके जो गुरु थे वो अरस्तु था। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु, ये एग्जाम में आता है। कमांडर, जो सिकंदर का कमांडर यानी कि सेनापति था वो सेलुकस निकेटर था। सेलुकस निकेटर जिसका युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त के साथ, चंद्रगुप्त ने सेलुकस निकेटर को हरा दिया था। सेलुकस निकेटर ने मैक्सनीज को भेजा था, याद है आपको। अटैक ऑन इंडिया, भारत के ऊपर आक्रमण 326 बीसी में किया। इसकी जो मृत्यु हुई वो 323 बीसी में हुई, 33 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई थी। बेबीलोन एक जगह पड़ती है, वहां पर इसकी मृत्यु हुई थी। ये सभी चीजें नोट करने वाली है। 326 बीसी में जब इसने भारत के ऊपर आक्रमण किया, ठीक है, उत्तर और पश्चिमी से खैबर दरार से इसने आक्रमण किया, तो वहां पर पंजाब प्रांत का एक सबसे पहले राजा तक्षशिला को आप कह सकते हो, उस टाइम पर तो तक्षशिला था, तो तक्षशिला का एक राजा था जिसका नाम था आम्भी। इसने उसके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन आम्भी ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया, पहले ही हथियार डाल दिए और उसकी मदद करने लग गया आक्रमण करने के लिए। ठीक है, भारत के अंदर जितने डिफरेंट डिफरेंट राजवंश थे, आम्भी ने हाथ मिला लिया, वचन दे दिया सिकंदर को कि मैं भी तुम्हारे आक्रमण में मदद करूंगा, राज्य जीतने में मदद करूंगा। तो ये इसके साथ मिल गया था आम्भी, जो कि तक्षशिला का राजा था जिस पर सबसे पहले इसने आक्रमण किया था। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा तगड़ा युद्ध माना जाता है सिकंदर का भारत के अंदर, वो माना जाता है पोरस के साथ। पोरस एक पंजाब प्रांत का राजा था जो कि झेलम और उसका राजवंश झेलम नदी, चिनाब नदी और साथ ही व्यास नदी के आसपास फैला हुआ था। तो पहला जो युद्ध हुआ पोरस के साथ, तो पोरस को उसमें हरा दिया। किसने हराया? सिकंदर ने हरा दिया। ठीक है, पोरस को हरा दिया सिकंदर ने। झेलम नदी के किनारे वो युद्ध हुआ था, पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ था, जिसको हाई डेस पीज युद्ध नाम दिया गया था। पोरस और सिकंदर के बीच में एक युद्ध हुआ था, झेलम नदी के किनारे हुआ था, हाई डेस पीज इस युद्ध को नाम दिया गया। पोरस इसमें हार गया था, सिकंदर जीत गया था और उसका राज्य सिकंदर ने हथिया लिया था। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वाला पोर्शन था। अब सिकंदर ने भारत के पश्चिम उत्तर के कई राज्य जीत लिए थे। जीते हुए सभी राज्य को सिकंदर ने अपने कमांडर यानी कि सेनापति सेलुकस निकेटर को सौंपा और सिकंदर तो लौट गया वापस यूनान। तो यहां पर जो राज क्या, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं पंजाब प्रांत जो था, बाकी का जो भी ये तक्षशिला वगैरह सब कुछ ये राज्य जीते और अपना इन सभी राज्यों को उसने दे दिया अपने सेनापति को सेलुकस निकेटर को कि भाई तुम यहां पर अब राज करो, मैं चला अपना यूनान। तो वो तो यूनान लौट गया और फिर आगे चलकर उसकी बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी। तो ये पूरी सिचुएशन रही थी। और फिर आगे चलकर नंद वंश को तो यहां पर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने खत्म कर दिया। ये यहां पर खत्म होता है, यहां पर आ जाता है मौर्य वंश आ जाएगा। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य यहां पर राज कर रहा होगा और यहां पर सेलुकस निकेटर कर रहा होगा। यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच में युद्ध भी होगा जिसमें सेलुकस निकेटर हारेगा। तो आगे हम पोर्शन कवर करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। हमने यहाँ पर खत्म कर दिया है कि विदेशी आक्रमण हुए थे, जहां पर यूनानी आक्रमण हुआ था और साथ ही एक ईरानी आक्रमण भी हुआ था जिसके बारे में तुम आगे पढ़ लेंगे। यूनान की तरफ से अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ने आक्रमण किया था। तो अगले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, उसमें बिंदुसार वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे, साथ
ही जो हमारा अशोक है उसके बारे में कवर करेंगे, मौर्य उत्तर काल पढ़ेंगे, साथ ही संगम वंश, चोल वंश, चेर वंश आएगा, वो सब कुछ कवर करेंगे, और उसी टाइम पर विदेशी शासन भी भारत के अंदर आ जाता है, वो भी हम कवर कर लेंगे, और आगे के जितने भी इंपॉर्टेंट है यानी कि पूरे भारत के अंदर छोटे छोटे राज्य फिर से बनने लग जाते हैं, यानी कि अखंड भारत का एक बार निर्माण हुआ लेकिन फिर से छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आ जाते हैं, फिर से भारत बिखर जाता है एक बार फिर से, और उसके बाद फिर एक गुप्त साम्राज्य आता है, फिर वो अखंड भारत को ले आता है। तो ये सब चीजें हम आगे कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं अलेक्जेंडर सिकंदर पर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और कुछ नया सीखा होगा, और सबसे जरूरी बात आपने समझा होगा। ये कमेंट करके बताना कि समझ आया नहीं, कुछ यूनिक लगा नहीं, दिमाग में चीजें घुसी या फिर नहीं, ठीक है? तो कमेंट करके बताइएगा, और यार शेयर करिए, रिक्वेस्ट भी करता हूं दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस लेक्चर को लाइक बहुत ज्यादा करें, ठीक है? ताकि यार थोड़ा और मोटिवेशन मिल सके, थोड़ा और एनर्जी के साथ हम लेक्चर को कवर कर सके, और तेजी से कवर कर सके। सभी की कमेंट मैं पढ़ता हूँ, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कमेंट करिए, और सजेशन भी प्रॉपर देते रहिए। चलिए यार, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।